सोलह दोस्तों फुल मैप रैंकेड मैच में कैसे बोया लेते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच में या स्क्वाड खेलो या कुछ भी खेलो। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आपको हर बार सामना करना पड़ता है। सो इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक टिप्स एंड ट्रिक की भरमार है, तो यार वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, स्क्वाड खेल रहे हो, तो यार सबसे पहला काम है लैंडिंग। आपको ऐसी जगह लैंड करना है जहां पर लूट ज्यादा हो और अच्छा प्लेस हो, जहां आप शुरुआत में ही थोड़े बहुत किल कर पाओ, जिससे आपका अच्छा खासा बैटल स्कोर बढ़ जाए और रैंक थोड़ी सी प्लस हो यदि आप जल्दी भी मर गए तो। एंड आपको गन का चयन करते आना चाहिए, मतलब आप कौन सी गन चलाते हो भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सामने एक बंदा है एंड वो बंदा भाग रहा था, ठीक है, मेरे लेफ्ट से राइट साइड भाग रहा था एंड मैंने सिंपल सा उसको बिना स्कोप के ही राइट ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक उसको हेडशॉट लग गया। यदि आप चाहो तो रिवर्स करके भी देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने ड्रैग किया और कैसे उसको हेडशॉट लगा। यहाँ पर दो बंदे मैंने किल कर लिया है एंड सामने सीमेंटेड वाले घर में शायद से बंदा हो सकता है। ऊपर में भी दो बंदे हैं, एक बंदे को नॉक किया एंड दो बंदे को नॉक किया, जहाँ एक बात का ध्यान दो कि मैंने बहुत ही ज्यादा से ड्रैग किया था। ए भाई क्या ही तगड़ा यहाँ पर बंदा है एंड इसने मेरे पे डायरेक्ट रश कर दिया था। ऑलमोस्ट मैं मर ही गया था बट मेरे पास था वुकोंग। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत ही परफेक्ट रखना है। ऑलमोस्ट इस बंदे ने मुझे मार दिया था बट यार मेरे पास था वुकोंग, तो मैंने तुरंत में वुकोंग बन के एंड जैसे ही बंदा सामने आया ओनली ऑन रेड नंबर मार दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया एंड थोड़ा सा पीछे आया वुकोंग बनना, जैसे ही सामने बंदा आया उसने गोली चलाया एंड मैंने डायरेक्ट फायर कर दिया, ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिक उसको हेडशॉट लगा। ऐसी सिचुएशन में भी आप दोस्तों ज़्यादातर चांस रहता है कि आप सामने वाला बंदे को देख के डर जाते हो, तो डरना नहीं है एंड इजीली तरीके से आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लगेगा, किसी भी बंदे को मार रहे हो ड्रैग करना अनिवार्य है। ड्रैग अच्छी तरीके से करोगे तो हेडशॉट जरूर लगेगा। ओ भाई यहाँ पर दो बंदे आ चुके हैं, एक बंदा व्हीकल में है और एक बंदा पीछे है, तो यहाँ पर सबसे पहले भागना पड़ेगा क्योंकि दो बंदे एक साथ है, वो अच्छा अलग अलग बंदे हैं, वो एनिमी दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग टीममेट के हैं। बंदा नॉक है, चलो खत्म कर दो, एक किल मैंने चुरा लिया है। दूसरा बंदा आया और देख सकते हो मैंने कवर फाइट की, ना कि उसको खत्म करने के बाद उसको लूटने लगा, नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पर दूसरा बंदा भी है तो मैंने क्या किया, कवर लिया, बंदे को आने दिया और ड्रैग कर दिया और बंदा खत्म। देख रहे हो ना ऐसी ही सिचुएशन आती है आपके पास, ठीक है। ओके अभी देख सकते हो दोस्तों 28 बंदे बचे हुए हैं एंड 7 किल मैंने कर लिया है, ठीक है। और मेरे पास वेपन का देख सकते हो वेपन कॉम्बिनेशन है, एक यूजी है, यूएमपी है एंड एक्समेट है। देखो कोई भी शॉर्ट रेंज की गन रखो, फर्स्ट में रखो, सेकंड नंबर में लॉन्ग रेंज की गन रखो एंड थर्ड नंबर में आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो मिली वेपन, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो जैसे मेरे पास बैट है बट इससे अच्छा आप रख सकते हो पेन। बंदा सामने था, ठीक है, एल फ्लिप में, मैंने उसको देखा, पहले तो फायर कर दिया मैंने पहले के पहले, बट जैसे बंदा कवर में गया एंड बाहर आया और जैसे उसने गोली चलाया उसी टाइम मैंने स्कोप ऑन करके डायरेक्ट ड्रैग कर दिया और बंदे को कर दिया ख़त्म, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि यदि कोई बंदा सामने है, आपका एडवांटेज ले रहा है, हाइट का एडवांटेज ले रहा है या पीक लेके मार रहा है, ग्लूवाल के पीछे कवर लेके मार रहा है, तो दोस्तों पहले उसको फायर करने दो। जैसे ही वो फायर करता है एनिमी हो जाता है स्टेबल, आप स्कोप से मारो या बिना स्कोप से ऑटोमेटिक हेडशॉट लगेगा। यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर देखो छिपा हुआ है एंड मैंने पैरों की आवाज़ सुन तो ज़रूर लिया था लेकिन ये बंदा नहीं था, एक और बंदा है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट ये बंदा यहाँ से आएगा पक्का है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ इसका। बट यार यहाँ पर अरे यार मुझे लगता है किसी ने किल चुरा लिया, देखो खिड़की से किसी ने मारा बंदे ने एंड मेरा किल चुरा लिया। दूर दराज में एक और बंदा है एंड काफ़ी दूर हो गया है वो बंदा। देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब बंदा बहुत ज़्यादा दूर हो और लगने लगे कि वो बंदा कवर में जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट कवर में जा रहा है, तो हेडशॉट मारने का ट्राई मत करो ज़्यादा, मतलब ट्राई करो लेकिन उतना भी नहीं, इतना ट्राई करो कि हाँ एक दो हेडशॉट लग गया तो बाकी बॉडी शॉट से ही बंदे मार दो। जैसे कि मैंने उसको मारा कि ड्रॉप में जा ही रहा था बंदा एंड मैंने उसको मार दिया। देखो अभी
एक बंदे ने गुलवाल लगा लिया है, वो सोच रहा है कि मैं गुलवाल में भी शेफ हूं, बट यार मैंने नीचे से आके उसको इजीली मार दिया। वो भी दिमागधारी था, उसने मेरा पैर की आवाज सुन लिया था, एंड जब मैंने विंडो कूदा होगा तो उसने विंडो का आवाज भी सुन लिया होगा कि कोई भी बंदा नीचे से तो जरूर आ रहा है। उसका भी दिमाग चला, लेकिन मैंने काफी ज्यादा तेजी से काम किया, ठीक है, काफी ज्यादा तेजी से अपने आप को स्टेबल किया, एंड मैंने वहां से ऊपर से नीचे से आके इसको मार दिया। पहले ऊपर था, नीचे आया, खिड़की से ऊपर आया, एंड मैंने उसको मार दिया। एक और बंदा आया वहां पे, गुलवाल तोड़ रहा था कि ऊपर फाइट हो रही है, बट यार मैंने उसको भी मार दिया। एक और बंदा व्हीकल में है, मैंने एम लगा के उसको इजीली मार दिया। देख सकते हो दोस्तों, 12 किल भी मैंने कर लिया हूँ, 22 बंदे भी बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर सामने एक और बंदा है, दो बंदे हैं, ठीक है, सामने बंदा है। देखो बंदे को मैंने बिना स्कोप से मारा, क्योंकि बंदा ज्यादा दूर नहीं था, मिड रेंज में था। ऐसे में देखो, यदि कोई भी बंदा मिड रेंज में है तो उसको डायरेक्ट ड्रैग करोगे, रेड एम आने दो, जो अपना वाइट एम रहता है उसको रेड होने दो, और बंदा सामने है स्टेबल खड़ा है उसको ड्रैग कर दो। बंदा राइट में भी जा रहा है तो ड्रैग कर दो, राइट ड्रैग करो, लेफ्ट में जा रहा है लेफ्ट ड्रैग करो। सामने एक बंदा देख सकते हो, पहले मैंने स्कोप से मारने की ट्राई किया, एक हेडशॉट लगा, पर डायरेक्ट उसको मैंने ऐसी मार दिया नॉर्मल बिना स्कोप के, क्योंकि उसके ऊपर रेड एम आ रहा था, एंड वो बंदा लेफ्ट से राइट जा रहा था। तो दोस्तों वैसी सिचुएशन में मैं स्कोप ऑन करके मारता तो हेडशॉट लगने के चांस बहुत कम रहते, इसलिए मैंने उसको बिना हेडशॉट के मारा, तो अच्छा खासा उसको हेडशॉट लगा भी और बंदा नॉक भी हुआ, ठीक है। एक और बंदा है वहाँ पे, एंड उसके ऊपर पॉइंट तो आ रहा है बंदा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक ग्रेनेड करते हैं। एक और बंदा वहाँ पे आ चुका है, एक ग्रेनेड किया मैंने, डैमेज तो लगेगा उसको। देखो एक बंदे को डैमेज लगा है, ओपी बोलते, और एक और करेक्टर मेरे पास, वो करेक्टर को भी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। एक बंदे को नॉक किया है, एंड दूसरे बंदे को इजिली इतनी ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसको ग्रेनेड का शॉट लग चुका था। और यदि ऐसी सिचुएशन में फाइट होती है तो उसके बाद दोस्तों करो क्या आप, कि थोड़ा अंदर में आके मेडिकेट वगैरह करो। जैसे कि मैं गया वहाँ अंदर गया, एंड मैंने अच्छा खासा पहले लेटा, और उसके बाद ही मैंने मेडिकेट किया। ऐसे बाहर में जब आप डैमेज रहते हो तो एक तो गुलवाल लगा के मेडिकेट करो, या फिर कोई कवर के पीछे मेडिकेट करो। देखो यदि खुले में मेडिकेट करो तो कोई भी बंदा थर्ड पार्टी आके उसको मार सकता है, मतलब आपको मार सकता है, तो ऐसी कुछ बातों का भी ध्यान रखा करो। यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने MP40 ले लिया है, क्योंकि मेरे गेम प्ले के अनुसार अभी मुझे MP40 लेना चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा आप गेम प्ले करते हो तो उसके अनुसार भी आप गन चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं शॉटगन भी ले सकता था, UMP भी चला सकता था, बट UMP काफ़ी जगह रिक्वेल होती है काफ़ी ज़्यादा, तो UMP उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है, यदि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो। सामने एक बंदा था, खड़ा था, एंड मैंने उसको इजीली मार दिया वहाँ पे, ठीक है। तो MP40 काफ़ी देर तक उतना रिकॉल नहीं करता और काफ़ी फास्ट चलता है, ठीक है, डैमेज भी अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर मैंने उसको MP40 से मार दिया। ओके, MP40 भी मैंने कलेक्ट कर लिया, और एक देख सकते हो मिनी लॉन्चर है, जो कि गुलवाल के आर पार मारता है एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी करता है। तो मिनी वेपन में आप ये वाला ले सकते हो, मिली वेपन में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी 18 किल मैंने कर लिया हूँ, 12 बंदे अभी बचे हुए हैं। सामने ड्रॉप ले, अरे बाप रे, जैसे ही मैं दिखा उसने गोली चलाया एंड भागने की भी कोशिश किया, ठीक है, एंड वो भाग ही जाता, इससे पहले मैंने उसको बॉडी शॉट मार के ख़त्म कर डाला। दोस्तों मैप में हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैप में क्या हलचल हो रहा है, ठीक है, कोई बंदा जहाँ से मारता है वहाँ का भी चिन्ह आता है, कोई दूसरे बंदा अलग अलग फाइट करते हैं वहाँ का भी चिन्ह आता है, तो वहाँ पर मैप में आपको ध्यान रखना चाहिए। व्हीकल भी दिखते हैं, मशरूम भी दिखते हैं, मशरूम नहीं दिखते सॉरी, वेंडिंग मशीन दिखती है, रिपेयर पॉइंट दिखते हैं, बहुत कुछ आपको मैप में ही दिख जाते हैं, तो मैप में ध्यान ज़रूर देना। अभी देखो 9 बंदे बचे हुए हैं, और ऊपर में आप देख सकते हो सेफ जोन जब श्रिंक होता है, जब आगे बढ़ता है, जब छोटा होने लगता है, तो यहाँ पर टाइमर दिखाने लगता है ऊपर के साइड में, और सबसे टॉप में देखोगे तो दोस्तों वहाँ दिखेगा कि आप किधर साइड जा रहे हो। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा तरफ का लोकेशन दिखता है। एक बंदा टावर के ऊपर है, तो उसको मैं कैसे मारूंगा, देखो अभी बंदा, ओ भाई साहब मारा इसको मैंने, हेडशॉट नहीं लगा, बट यार ऐसे ऊंचाई में बंदा है तो ज़्यादातर आप कवर से फाइट करो, ऐसे में क्या होगा कि अच्छा होगा, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों मैं मैप में भी ध्यान रखता हूँ, सामने पे बंदा है एक, उसको मारने का ट्राई करता हूँ,
पहले मैंने ड्रैग हेडशॉट मारने का ट्राई किया, एक ही लगा, लेकिन जब वो कवर में जाने लगा तो मैं उसको बॉडी शॉट से ही मारने की कोशिश किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 20 किल अभी मैंने कर लिया हूँ, 6 बंदे बचे हुए हैं। मेरे पास एक्सेमेट में एमओ नहीं है, कम एमओ है, तो मुझे एमओ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल अभी 5 बंदे बचे हुए हैं और मेरे पास कॉइन तो काफ़ी सारे हैं। मैं कभी भी, अरे देखो सामने में फाइट हो रही है, एक तो आपको आवाज़ आ जाएगा और दूसरा मैप में आपको पता चल जाता है कि कहाँ फाइट हो रही है। तो मैप का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और एक बंदे को मैंने मारा तो है, नॉक कर दिया, दूसरा बंदा शायद से उसको बचाने आएगा। यहाँ पर मैं ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ग्रेनेड किया पहले ही फूट गया। ओके, यहाँ पर एक और ग्रेनेड करता हूँ एंड देखो मैं ज़्यादा जोन से डैमेज खा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट यार जाते जाते मैं क्या करता हूँ, ग्रेनेड फेंक देता हूँ कि जैसे ही बंदा यहाँ आएगा, आगे आएगा तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड से डैमेज लगेगा। और देखो डैमेज लगा, बंदा ख़त्म। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ज़्यादा रिस्क ले लिया, मैंने एक नुबड़ाई वाली काम कर दी कि मैं जोन के अंदर था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जोन के बाहर इतने छोटे जोन में आपको नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, 40 से 50 डैमेज करता है। ठीक है, 30 से 40। तो जोन के बाहर ज़्यादातर रहने की कोशिश मत करो, जोन के अंदर रहने की कोशिश करो। और देखो अभी मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मैंने खरीद लिया है। आपको पॉकेट मार्केट लेके आना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्क्वाड खेलते हैं तो 8 मिनट के अंदर में आप एक बंदे को रिवाइव भी कर सकते हो। ठीक है, सामने एक और बंदा है, हेडशॉट लगा बंदे को कि मैंने नॉक, एक और लास्ट का बंदा बचा है समझ लो, क्योंकि एक बंदे को तो मैंने ख़त्म कर दिया, लास्ट का एक ही बंदा बचा है, एनिमी बचा है, उसको मैं मारता। अच्छा चलो देखो, उसने ग्रेनेड किया, ग्रेनेड किया तो मैं पीछे आके एक बार गुलवा लगाया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक मशीन है तो यहाँ लगा देता हूँ मशीन को कि बंदा आएगा तो वो डैमेज खा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और ग्रेनेड करता हूँ, तो ग्रेनेड करूँगा तो अच्छा खासा रहेगा। मेरे पास वाला ग्रेनेड नहीं है जिससे वो डैमेज जाता है ज़्यादा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने तुमको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक दिया है फुल मैप में किस प्रकार से प्ले करना है करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड लास्ट वाले बंदे को मारने के टाइम ज़्यादा पैनिक और ज़्यादा डरना नहीं है आपको, इजीली जैसे बंदे पहले मारे वैसे ही आपको मार। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।